नमस्कार दोस्तों, विशाल आयुर्वेद अमृताना में डॉक्टर विशाल शिवाले आप सभी का सदैव स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैंने कई किताबों का रिव्यू किया हुआ है, कई आपको दिखाए मैंने अपने आयुर्वेद चैनल पर, आपने बहुत सारी किताबों को मैंने रिव्यू किया हुआ है। रस शास्त्र संबंधी मैंने, क्योंकि मैं विशेष रूप से रस शास्त्री हूँ, इसलिए रस शास्त्र में लोगों को ज़्यादा रुचि है। रस शास्त्र किताबों में मैंने बहुत ज़्यादा रिव्यू किए, कई तरह की किताबें मैंने आपको दिखाई, रस सार संग्रह, रस सार संग्रह, औषधि विज्ञान की किताबें बताई है मैंने आपको, आपका रस चिंतामणि, और बहुत सारी किताबों को मैंने, रविंद्र रसेंद्र, इसमें रसेंद्र पुराण भी है ऐसी, और पारा संहिता, इस तरह की कई सही किताबों का मैंने रिव्यू किया हुआ है आप समझिए। तो आज मैं एक ऐसी बुक का रिव्यू करने जा रहा हूँ जो अपने आप में एक अनोखी बुक है, जो बहुत प्रचलित बुक है, और जिसमें बुक में एक संप्रदाय जुड़ा हुआ है, इसे गोरखनाथ संप्रदाय, जो गुरु गोरखनाथ जी से संप्रदाय चलती आ रही है, और उसके बाद उसका नाम रस चंडांशु के रूप में व्यक्त हुआ। तो इस बुक के विषय में मैं बताऊंगा। ये है आपके रस चंडांशु मेरे पास, ये देखिए, ये और भी कई प्रकाशन उसकी आती है, मेरे पास एक ही प्रकाशन की, मैं आप इसे रिव्यू कर रहा हूँ, ये रस चंडांशु। तो आज मैं रस चंडांशु का आपको पूरा रिव्यू करूँगा कि इस बुक में कैसा क्या है जिसके ऊपर मैं जोर दे रहा हूँ, और इस बुक के अंदर चिकित्सा किस तरह से की जाती है, क्योंकि ये बुक ऐसी है जो एक शायद आयुर्वेद शास्त्री भी ना हो, वो भी कोई नॉर्मल व्यक्ति भी पढ़ेगा तो एक चिकित्सक का कार्य कर सकता है, तो उससे इतना चिकित्सा का नॉलेज हो जाएगा, पर इस किताब को पढ़ना आवश्यक है, तो इसलिए इस किताब का मैं रिव्यू करता हूँ। तो आज इस किताब के विषय में, इसके कौन कौन से राइटर इसको, जिस राइटर ने इनको छापा है, वो इसके पब्लिकेशन और कितने मूल्य की आती है, इसके विषय में बात करेंगे, और बाकी इसके कंटेंट के विषय में बात करेंगे। तो शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो में बने रहिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब करके लाइक शेयर और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इस तरह के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो शुरू करते हैं रस चंडांशु। तो दोस्तों, ये है रस चंडांशु, इसके विषय में मैंने आपको बता दिया। ये जो है चौखंबा, आपके देख सकते हैं कि ये कृष्णदास अकेडमी वाराणसी से प्रकाशित होती है, और इसमें रस जो अपने रस संग्रह उसमें लिखा हुआ है, जैसे कि देख सकते हैं सिद्ध आचार्य भैरवनाथ गुरु गोरखनाथ जी के विषय में दिया हुआ है। तो जैसे कि श्री गोरखनाथ जी संप्रदाय के बारे में दिया हुआ है, और श्री तद्वैत शास्त्र के विषय में, बाकी और इसके व्याख्याकार जो है वो है ज्ञान, आपके ज्ञानेंद्र पांडे जी इसके व्याख्याकार हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक हैं। अब इसके अंदर जो दो भागों में से डिवाइड किया गया है, कुछ खंडों में डिवाइड किया गया है, उसमें एक तो रोगों के अनुसार चिकित्साएं दी गई हैं, मतलब उत्तर भाग में, और पहले तो उसके पुट महापुट विष इनके विषय में बताया गया है, भस्म कैसे बनती है इसके विषय में बताया गया है। उसके बाद में बाकी इसके आप उत्तर भाग में जाएंगे तो आपको इसके अंदर मिलेंगे कुछ, जैसे कि आपके ज्वर के अनुसार कौन कौन से आपके रस होंगे, कौन कौन सी भस्में आप ज्वर में देंगे, कौन सी कफ में देंगे, कौन से आप विकृति, कोई विकृति हुए व्यक्ति को त्वचा रोगों में देंगे, कुष्ठ में, ऐसे बहुत सारे रोग अतिसार में कौन सी भस्म देंगे, तो ऐसे बहुत सारे रोगों के अनुसार इसमें चिकित्साएं दी हुई हैं। तो मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ इस पूरी पुस्तक के विषय में। बाकी इस किताब का जो मूल है वो 1100 रुपये है, बाकी डिस्काउंट कार्ड की जो भी मिले, और इसको चौखा नंबर कृष्णदास अकेडमी ने निकाला है। तो अब आप, मैं आपको उस बुक के पूरी ब्रीफली अंदर दिखाता हूँ कि क्या क्या इस बुक में मौजूद है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये कृष्णदास अकेडमी की बुक, इसके बाद आप अंदर जाएंगे तो कुछ देखिए, ज्ञानेंद्र पांडे जी की रत्न संग्रह है ये, इसमें लिखा हुआ है आचार्य कृष्ण भैरवनाथ गोरखनाथ संप्रदाय श्री दिव्य दत्त रचित के द्वारा है, और इसकी जो एकेडमी है आपके कृष्णदास एकेडमी, वही कृष्णदास एकेडमी नंबर भी दिया हुआ है, और चौखंबा संस्कृत सीरीज से ये आगाज़ हो रही है, बकाया नंबर दिए हुए हैं इसमें आप देख सकते हैं। मूल्य 1100 रुपये है, 1100 रुपये मैंने आपको दिखाया, पीछे लिखा हुआ है 1100 रुपये। अब इसके बाद आप देखेंगे इसके अंदर विशेष क्या है, विशेष देखिए, आप देखिए रत्न चंडांशु इसकी रचना कृति दर्शन है इसके, या वैद रचयिता वैद शास्त्री हैं, काल इसका इनका दिया हुआ है, काल महाराष्ट्र संस्कृत श्लोकबद्ध शैली, और यहाँ पर अति महत्वपूर्ण शब्द उपयोगी असुलभ प्रसिद्ध ग्रंथ औषधि संबद्ध अतुलनीय अमूल निधि, इसमें दिया हुआ क्या क्या इसकी महत्वता है, इस महत्वता के बारे में दिया हुआ है। और परंपरा संप्रदाय अगर बात की जाए तो ये आपके रस सिद्धि आचार्य भैरवनाथ योगी जो कि गुरु गोरखनाथ संप्रदाय से हैं, गोरखनाथ जी बहुत बड़े महायोगी हैं जो इन, और रस शास्त्र में इनको बहुत सारी, क्योंकि भारत के प्रयोग और गंधक के प्रयोग किए हैं रस शास्त्र में, तो बहुत बड़े योगाचार्य और आवेदाचार्य और ये बहुत बड़े योगी हैं। इसके बाद आप देखेंगे रस शास्त्र इसके आगे इसके बारे में, यहाँ पे दो विशिष्ट पक्ष हैं, क ख ग खंड इसमें दिए हुए, घ
इसमें पूरे राष्ट्रशास्त्र के अंतर्गत द्रव्य संस्कार, राष्ट्रशास्त्रीय विधि निर्देशन, राष्ट्र औषधि निर्माण कल्पना समुद्र विज्ञान खंड में दिया हुआ है। फिर उसके बाद 700 औषधियों की योग्य समावेश किया गया है, और उसके बाद खनिज, धात्विक, वनस्पतिक, प्राणिज, इन सबके विषय में यहाँ बताया गया है। इसके बाद प्रस्तुतिकरण किस तरह से किया गया, पूर्व खंड और उत्तराखंड दो तरह से मैंने आपको बताया था। इसको विविध अध्याय अधिकार दिए गए, पहला खा में रोगाधिकार रस योगों का वर्णन यहाँ दिया हुआ है, और इतने लगभग इतने रोग समूह, सर्वप्रथम हिंदी व्याख्या बोलबो भाषा में और महत्व। अब इसको आप खोल के देखिए, अब मैं आपको पूरा पढ़ के दिखाता हूँ। देखिए इसका पूर्व खंड है, पूर्व खंड में देखिए इसमें रस विद्या पूरे विषय में दिए हुए हैं, द्वितीय चरण प्रखंड प्रखंड दिए हुए हैं, इसमें पूरे हड़ताल शोधन कैसे किया जाता है, मनशिला शोधन कैसे किया जाता है आप देख सकते हैं, और इसमें वटिका वगैरह, गौरी, पाषाण, ये सब चीज़ें, सिंदूर इस तरह का दिखता है, इस तरह की चीज़ों के बारे में यहाँ वर्णन मिलता है। फिर उपवेश वेश किस धातु धातु कैसे, कौन कौन से वेश होते हैं, उनका शोधन कैसे किया जाता है, पूरा यहाँ दिया हुआ है। इसके बाद सारी औषधियों के बारे में यहाँ बताने के बाद पुट महापुट यंत्र और गण के विषय में यहाँ दिया गया है। अब आ जाते हैं उत्तराखंड में, उत्तराखंड में देखिए जैसे ज्वर चिकित्सा के विषय में, उसके बाद ज्वर चिकित्सा यहाँ दे दी गई है, सर्वज्वर चिकित्सा, अतिसार, घृणी की चिकित्सा, राष्ट्र औषधियाँ कौन कौन सी इसमें यूज होती हैं वो यहाँ दी गई हैं। अष्ट चिकित्सा के विषय में यहाँ दिया गया है आपके, अग्निमांद, कमी, पांडु रोग, रक्तपित्त, राजस्मा, सब की सब रस्मों के विषय में यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं आप सारी रस्म का सोवर, छर्दी और आपके उन्माद, अपस्माद, सारी रस्ता आप चाहे तो उसका एक आप स्क्रीन शॉट लेकर के पढ़ेंगे भी तो आधे आधी दवाइयाँ आपको भी याद हो जाएंगी, कौन कौन सी दवाइयाँ आज हमारे आयुर्वेद में चलती हैं आप देख सकते हैं, पूरे एक एक रोग के अनुसार यहाँ पर सारी की सारी मेडिसिन दी हुई है, कौन कौन सी रोग में कौन कौन सी चिकित्सा करनी चाहिए। बाकी इसके देखिए रोग का तालिका भी दी हुई है, बाकी प्रिंटिंग वाइज देखेंगे प्रिंटिंग बहुत अच्छी है, फ्लो चार्ट्स भी दिए हुए हैं। मुझे पर्सनली ये किताब बहुत अच्छी लगी, इस किताब को पढ़ के बहुत मज़ा आएगा आपका, तो इस किताब का आप रेगुलर अध्ययन कीजिए, तो ये किताब वास्तव में बहुत ज़्यादा अच्छी किताब है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर काम पूरे पूरे मेरी किताबें दी हुई हैं, प्रिंटिंग वाइज, फ्लो चार्ट वाइज बहुत अच्छी किताबें हैं। तो दोस्तों देखा आपने, आपको मैंने रस चंद्रांशु के विषय में भी संक्षिप्त जानकारी दी है आपको, ये किताब में आपको लगभग समझ में आ गया होगा कि हमको किताब लेनी चाहिए कि लेनी चाहिए। बाकी ये किताब आपको कैसे मिलनी चाहिए, कैसे मिलेगी, आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और भी प्रकाशक की किताबें आती हैं ये, लेकिन मुझे ये पर्सनली ज़्यादा अच्छी लगी, फ्लो चार्ट इसमें अच्छे दिए हुए इस किताब में, चौखंबा की इस किताब में। तो ये आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं किताब, बाकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूंगा। तो दोस्तों अगर आपको कोई शंका है इस विषय में तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन कौन सी बुक आपके पास हैं, कौन कौन सी बुक सारे पढ़ी हैं, और इसी तरह के कंटेंट मैं आप सब बनाता रहूँगा। और दोस्तों अगली बार फिर से नए वीडियो को नए किसी दोस्तों अगली बार फिर एक नए किसी कॉन्टेंट के साथ आपको सामने उपस्थित होता हूँ, तब तक दोस्तों मुझे आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।